फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। जून मंथ के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करेंगे हम। सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक्स। हमारे कोऑपरेशन मिनिस्टर ने कहा है कि इन बैंक्स को सेकंड ग्रेड के बैंक्स की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे मॉडर्न एंड ट्रांसपेरेंट बैंकिंग मेथड की तरह अपनाना चाहिए। बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं। तो ये फाइनेंशियल एंटिटी है जो सहकारी समूह के मेंबर्स के द्वारा बनाई जाती है। यही मेंबर्स इनके ओनर होते हैं और कस्टमर भी होते हैं। ये बैंक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत रजिस्टर होते हैं, साथ ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत तथा बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1955 के तहत इन्हें रेगुलेट किया जाता है। RBI इसे रेगुलेट करता है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत अच्छा जरिया होते हैं। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को RBI ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले हैं टीयर 1 के बैंक जो 100 करोड़ रुपए तक का डिपॉजिट ले सकते हैं। फिर टीयर 2 में आने वाले बैंक 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक का डिपॉजिट रख सकते हैं। टीयर 3 में 1000 करोड़ से 10000 करोड़ तक का डिपॉजिट रख सकते हैं अपने पास। और टीयर 4 के बैंक 10000 करोड़ से अधिक का डिपॉजिट रख सकते हैं। हाँ, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को दिए गए लोन का 9-15% के मध्य कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। टीयर 4 के कोऑपरेटिव बैंक्स बेसल 3 नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। अगला आर्टिकल है पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में। ये शेयर मार्केट के लिए ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। मतलब यदि कोई फॉरेन में रहने वाला इन्वेस्टर हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है बिना सेबी में रजिस्टर हुए, तो वो क्या करता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स हैं जो सेबी में रजिस्टर हैं उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट दे देता है। और ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स उन इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेटरी नोट्स देते हैं। इससे बिना स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हुए ये इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट से सिक्योरिटीज जैसे शेयर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कोऑपरेटिव बॉन्ड्स आदि परचेस कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स नहीं आते। आगे जानते हैं प्रोजेक्ट निपुण के बारे में। ये प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। इसके तहत 1,00,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को स्किल प्रोवाइड की जाएगी। ये एक फ्लेक्सिबल प्रोग्राम दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत काम करेगा। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी है। आगे जानते हैं ब्लैक स्वान इवेंट के बारे में। ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जो सडनली अकर होते हैं, मतलब ऐसा कुछ हो जाए जिसका हमने एक्सपेक्टेशन तक ना की हो। तो हाल ही में RBI ने कहा है कि यदि ब्लैक स्वान इवेंट होता है भारत में तो लगभग $100 मिलियन के कैपिटल आउटफ्लो की संभावना है। अब पास्ट में कुछ ब्लैक स्वान इवेंट के एग्जाम्पल इस प्रकार है: 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, फॉल ऑफ सोवियत यूनियन, सितंबर 11 2001 का USA में टेररिस्ट अटैक आदि। आगे जानते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में। ये फरवरी 2016 में बनी एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो RBI के द्वारा अपॉइंट की गई नायक समिति के द्वारा रिकमेंड की गई थी। बैंक बोर्ड ब्यूरो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स तथा स्टेट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के होल टाइम डायरेक्टर्स तथा नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट्स को रिकमेंड करते हैं। हालांकि इनकी रिकमेंडेशन का फाइनल डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही लेता है। इस बॉडी के कंपोजिशन की बात करें तो बैंक बोर्ड ब्यूरो में एक चेयरमैन, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जिसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के सेक्रेटरी होते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी होते हैं तथा तीसरे डिप्टी गवर्नर होते हैं RBI के। इन 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के अलावा 5 एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं, जिनमें से 2 प्राइवेट सेक्टर से होते हैं। अगला आर्टिकल है स्वधा के बारे में। हाल ही में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी ने खादी से बना हुआ एक ऐसा कपड़ा डिजाइन किया है जिसे पहनकर आप एक्सरसाइज, योगा सब कर सकते हैं। मतलब ये वेलनेस वियर है। इसका नाम है स्वधा। स्वधा का मीनिंग होता है ईज या कंफर्ट और प्लेजर। अब यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी जो है वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंतर्गत बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और गांधीनगर, कोलकाता, शिलोंग और बेंगलुरु में अन्य ब्रांचेज है। आगे है I2U2 इनिशिएटिव। ये इंडिया, इजराइल, UAE और USA के बीच ऐसा इनिशिएटिव है जो इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करता है। उस समय इसे इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन कहा जाता था। ये वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना इसकी अक्टूबर 2021 में UAE और इजराइल के मध्य हुए अब्राहम अकॉर्ड के तहत हुई। अब इसकी वर्चुअल मीटिंग जुलाई 2022 में हो रही है। आगे है अजान प्रोग्राम। ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रन किया जा रहा है। अजान का फुल फॉर्म है आपकी जमीन आपकी निगरानी, मतलब आपके लैंड या जमीन की सारी जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल होगी इजी एक्सेस के साथ। अजान इनिशिएटिव डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत चलाया गया।
आगे जानते हैं लैम्डा के बारे में, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। ये गूगल का है जिसके तहत मशीन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, मतलब जो गूगल का लैम्डा है वह इंसान की लैंग्वेज को समझकर रिस्पॉन्ड करता है, जैसे सीरी और एलेक्सा करते हैं। हाँ, लेकिन अब ये लैम्डा और अधिक इंटेलिजेंट हो गया है। ये लैंग्वेज के अलावा अब इंसान की भावनाओं या सेंटीमेंट्स को भी समझेगा। अब इसके डेवलपर्स इसमें डायलॉग्स के रूप में इन्फॉर्मेशन को फीड करेंगे, ना कि विभिन्न लैंग्वेज के रूप में। जैसे हम छोटे बच्चों को डायलॉग्स बोल बोल कर सिखाते हैं ना, वैसे ही लैम्डा को भी डायलॉग्स के माध्यम से डेवलप किया जाएगा ताकि वह इंसान की भावनाएं समझ सके। तो याद रखिएगा, गूगल का है लैम्डा। आगे जानते हैं इंडियन रेलवे इनोवेशन पॉलिसी के बारे में। इसमें स्टार्टअप्स को रेलवे उनके इनोवेशन के लिए 1.5 करोड़ तक का ग्रांट देगा। देखिए, इसमें क्या होगा कि कोई भी इनोवेटर यदि रेलवे के पास जाकर अपना इनोवेशन बताता है तो रेलवे उसे प्रोटोटाइप बनाने के लिए कुछ फंड देगा, और यदि वह प्रोटोटाइप काम कर जाता है तो उसके प्रोजेक्ट के लिए भी रेलवे फंड करेगा। इसमें जो भी इनोवेशन है उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या IPR इनोवेटर के नाम से ही रजिस्टर होगा, बस उसमें इन्वेस्टमेंट रेलवे कर रहा है। आगे बात करते हैं नन्ही परी प्रोग्राम के बारे में। इसे लॉन्च किया है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। इसमें क्या होगा, जो बच्चियां हॉस्पिटल में जन्म ले रही हैं, तो माता और बच्ची के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के पहले ही ऐसे सारे पेपर वर्क करवा लिए जाएंगे जिसके तहत गवर्नमेंट स्कीम्स, सर्विसेज, प्रोग्राम्स आदि को उस बच्ची से जोड़ दिया जाएगा ताकि उसका फायदा उसे मिल सके। सामान्यतः कम पढ़े लिखे पेरेंट्स ऐसा नहीं कर पाते, तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है पेरेंट्स के लिए। इसमें सर्विसेज जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट की ओपनिंग, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, लाडली स्कीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि का लाभ बच्ची को मिल पाएगा। आगे जानते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड स्कीम के बारे में। ये डिफेंस मिनिस्ट्री की स्कीम है जिसमें नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने वाली फर्म्स को 10 से 50 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। साथ ही DRDO की तरफ से एक्सपर्टीज भी दी जाएगी, मतलब इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है DRDO। इसमें MSMEs, स्टार्टअप्स आदि को एनकरेज किया जाएगा। अब इस स्कीम का लाभ उस एंटिटी को नहीं मिलेगा जिसके पास 49% से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब IT रूल 2021 में हुए अमेंडमेंट की बात करते हैं। 3 मुख्य अमेंडमेंट हुए। पहला कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि का यूज करते हुए कोई व्यक्ति उसमें डाटा डालता है तो उस डेटा के लिए वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि वह व्यक्ति ही जिम्मेदार होगा। दूसरा है कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को यदि किसी कंटेंट से संबंधित कंप्लेंट मिलती है तो उस कंटेंट को 72 घंटे के अंतर्गत हटाना होगा, बाकी जो भी ग्रेवेंस है उन्हें वे 15 दिनों में एड्रेस कर सकते हैं। तीसरा अमेंडमेंट था कि ग्रेवेंस अपेलेट कमेटी का निर्माण किया जाएगा। इसमें जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज में ग्रेवेंस ऑफिसर होता था, यदि कोई व्यक्ति अपनी कंप्लेंट से संबंधित उस ऑफिसर के डिसीजन से सहमत नहीं है तो वह ग्रेवेंस अपेलेट कमेटी में कंप्लेंट कर सकता है, फिर आगे कोर्ट में भी कंप्लेंट की जा सकती है दर्ज। आगे जानते हैं श्रेष्ठ स्कीम के बारे में। ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। और ये स्कीम सिर्फ शेड्यूल कास्ट के पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चों के लिए है। जिस भी फैमिली की एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है तो वो 9th और 11th क्लास में CBSE अफिलियेटेड इन स्कूल्स में पढ़ाई के लिए एलिजिबल होंगे। और 9th तथा 11th में एडमिशन का प्रोसेस टेस्ट के माध्यम से होगा जिसे कंडक्ट कराएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब जानते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में। ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, 2008 में लॉन्च की गई। ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। इसमें MSMEs को लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें 18 साल से ऊपर का व्यक्ति नए प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए एलिजिबल होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 50 लाख रुपए का लोन और सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख का लोन दिया जा सकता है। सब्सिडी में रूरल एरियाज में जनरल कैटेगरी को 25% और स्पेशल कैटेगरी SC ST OBCs माइनॉरिटीज, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिली और बॉर्डर एरियाज के लोगों को, ट्रांसजेंडर्स को, फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को, एस्पिरेशनल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के एप्लीकेंट्स को लगभग 35% की सब्सिडी दी जाएगी। अर्बन एरियाज में 15% की जनरल कैटेगरी को सब्सिडी मिलेगी और स्पेशल कैटेगरी को 25% की सब्सिडी दी जाएगी। अब इसमें लोन पब्लिक तथा प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट शेड्यूल कमर्शियल बैंक आदि के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे अप्रूवल स्टेट टास्क फोर्स कमेटी द्वारा दिया जाएगा। इसमें भी टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% आपको लगाना होगा और 90% का लोन दे देगी सरकार। हाँ, लेकिन इसमें 3 साल तक मॉनिटर करेगी आपके काम को सरकार, तब जाकर ये 35% या 25% की सब्सिडी आपके लोन अकाउंट में डाल दी जाएगी। अब नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में मुख्य भूमिका भी निभाई है। इकोनॉमी के लेक्चर में इस मंथ बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।